कौन हो तुम? चलो सरदार सुल्तान सिंह के पास। हेलो सरदार की जय हो। ये लड़की कौन है? इसके पीछे पुलिस पड़ी है सरदार, जरूर कोई गड़बड़ है। पुलिस की नजर बचाकर इसको मैं जिंदा लेकर आया हूँ। कहीं अभी पुलिस के साथ तो नहीं मिली हुई है? ऐसा कुछ नहीं है सरदार, पहले आप मेरी कहानी सुन लीजिए, उसके बाद आप मेरी मदद जरूर करेंगे। कैसी कहानी सरदार? आज से 2 महीने पहले मैं, मेरा बड़ा भाई अमर, छोटा भाई राजेश, मेरी माँ शारदा झांसी में रहते थे। मेरा भाई वहां पर पुलिस इंस्पेक्टर है। एक दिन मुझे रुद्रपुर से मेरे नाम की रजिस्ट्री आई, उसमें लिखा था कि मुझे वहां की पाठशाला में टीचर की नौकरी मिल गई है। अरे वो गांव का मामला है और तू शहर की रहने वाली, वहां जाके एडजस्ट कर पाएगी तू? कैसी बातें करती हो माँ, डैडी भी तो गांव के थे और शहर में आके तुम्हारे साथ कैसे एडजस्ट हो गए थे। वैसे भी माँ, मैं वहाँ छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने जा रही हूँ, लड़ाई नहीं करने जा रही। अरे चिंता किस बात की माँ, अपने स्टार वाले भैया कब काम आएंगे, जिन्होंने पुलिस की वर्दी पहन रखी है। भाई मुझे तो अपना फर्ज पूरा करना है, चोर को सजा और साहूकार को रिहाई। मान लो दीदी चोर बन गई, क्या तुम उनको भी हथकड़ी पहना दोगे? अरे तू तो ऐसा कह रहा है जैसे वो डाकू बन गई है। नहीं माँ, मैं तो बात साफ कर रहा था, फर्ज से बड़ा खून होता है। नहीं स्मॉल ब्रदर, हमारे रिश्तों से भी बड़ा है फर्ज का रिश्ता, जो कर्ज है हमारी ईमानदारी और हमारी सच्चाई का, जो हमें पूरा करना ही करना है। माँ यहाँ तो कर्ज और फर्ज की बातें शुरू हो गई हैं, आप मुझे इजाजत दीजिए क्योंकि मुझे रुद्रपुर गांव में पहुँचना है। दीदी तुम अकेले जा रही हो, मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा। क्यों, तुम्हें भी गाँव में रहना है क्या? वो इसलिए कि रक्षाबंधन को तुम नहीं आओगी तो मैं खुद गाँव चला आऊंगा। तो ये बात है, तो चलो। अच्छा माँ, अच्छा भैया, चलते हैं। चल लड्डू डाला हो पत्तवा। अरे लड्डू क्या भाई, मैं डालूंगा। अरे मिर्ची लगेगी मिर्ची। अरे कुछ नहीं है, अरे क्या खेलने का छोड़ है यार। अरे लड्डू जरा देख कौन आ रहा है ये। ए भैया बदलू, ये तो कौन लड़की लागत है पर अपने गांव का नहीं। भैया तुम सभी पत्ता वत्ता समेट कर चलते बनो, काहे स्कूल का मामला है और मास्टरनी जी भी आने वाली थी। देखा देख कहीं वही तो नहीं है। हाँ भैया देख ले। बुद्धिराम।